नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं वर्ण व्यवस्था को। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति व्री धातु से होती है, जिसका अर्थ है चुनना। जिसने जो चुना वही उसका वर्ण हुआ। वैदिक काल में मनुष्य स्वयं अपना वर्ण चुनते थे। महाभारत में कहा गया है, यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, इसमें कोई विशेष वर्ण नहीं है। सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं। संस्कारों के उपरांत द्विज, वेदाभ्यास करने पर विप्र तथा ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्राह्मण होते हैं। अभिप्राय यह है कि पुरातन काल में वर्ण व्यवस्था में आज की तरह कट्टरता नहीं थी। उस समय कर्म के अनुसार या स्वेच्छा से मनुष्य अपने वर्ण को स्वीकार करते थे। उल्लेखनीय है कि हिंदुओं में धर्म की अवधारणा अत्यंत व्यापक है, जो समाज तथा व्यक्ति पर समान रूप से प्रभावी होते हैं। इसी आधार पर महाराज मनु ने मनुस्मृति में मनुष्य के सामाजिक एवं राजनीतिक आचरण व्यवहार को अनुशासित करने वाले धार्मिक नियम भी बनाए तथा वैदिक आधार पर समाज का वर्गीकरण भी किया। वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया। यद्यपि वर्ण का आशय रंग से भी है, किंतु वर्ण व्यवस्था उनके रंग पर आधारित नहीं थी। ऋग्वेद में मनुष्य के मस्तिष्क को ब्राह्मण, बाहों को क्षत्रिय, पेट को वैश्य तथा पाँव को शूद्र कहा गया। इस प्रकार उस काल में वर्ण व्यवस्था मनुष्य के कर्म पर निर्धारित थी। ज्ञानी होने के कारण ब्राह्मण संपूर्ण समाज के कल्याणार्थ कार्य करते थे, समाज का मार्ग निर्देशन करते थे एवं यज्ञ आदि कर्म करते थे। बलशाली शक्ति संपन्न क्षत्रिय राज्य व्यवस्था, राजकार्य एवं सैन्य संगठन करता होते थे। उनमें क्षत्रिय ही सेना में सैनिक होते थे। वैश्य समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते थे एवं राज्य को कर आदि का भुगतान करते थे, ताकि राष्ट्र प्रगति कर सके। अपने कर्तव्य कर्म से च्युत होने वाले अपना वर्ण खो देते थे और वे वर्णच्युत हो जाते थे। धीरे धीरे कर्म के आधार पर निर्धारित वर्ण व्यवस्था समाप्त होने लगी और वर्ण का आधार जन्म होने लगा। अर्थात जो जिस वर्ण वाले परिवार में उत्पन्न हुआ, वह भले ही कोई अन्य वर्ण का कार्य करता रहे, अपने जन्मदाता का वर्ण अंगीकार करने लगा और वह व्यवस्था आज तक चल रही है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।